नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोविड 19 की नकली दवाई और नकली टीका की बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त दिशा निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में संगठनों, कंपनियों या ऑनलाइन ऐप्स द्वारा इस तरह की बिक्री और विज्ञापन को रोकने के लिए एक विशेष समिति के गठन की मांग की गई है। साथ ही केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की गई कि वो नकली टीकाकरण के खतरे के खिलाफ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5,500 कैदियों को अस्थायी राहत देते हुए उन कैदियों के लिए आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ा दिया है जिन्हें कोविड 19 महामारी के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सिफारिश के अनुसार अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आत्मसमर्पण की समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इससे परेशान होकर एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में माना है कि केवल इसलिए कि लड़का विवाह योग्य आयु का नहीं है, हालांकि बालिग है, याचिकाकर्ताओं को साथ रहने का अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये देखते हुए कि माता पिता एक बच्चे को अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और ये कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपना वैसा जीवन जीने का अधिकार है जैसा कि उसे उचित लगता है। हाईकोर्ट ने एक कपल के लिविंग रिलेशनशिप में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए प्रस्तावों के खिलाफ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ एक आदेश पारित किया है। जस्टिस राकेश कुमार ने बुधवार को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के स्थानांतरण प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। ये कहते हुए कि वो कॉलेजियम के प्रस्ताव पर कोई सवाल नहीं उठा रहे थे, जस्टिस कुमार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण कुछ पारदर्शिता प्रतिबिंबित कर सकता है। आखिरकार वे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों के जैसे ही संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। जस्टिस कुमार ने कहा कि सीजेआई को अनौपचारिक पत्र भेजकर मुख्यमंत्री ने मौजूदा क्षण में अनुचित लाभ पाने में सफलता पाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले मंगलवार को एक 20 वर्षीय लड़के को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोस्को के तहत जमानत दे दी और कहा कि पुनर्वास की सजा का उद्देश्य एक व्यक्ति के रूप में अपराधी को सुधारना है ताकि वो एक बार फिर से सामान्य कानून का पालन करने वाला सदस्य बन सके। न्यायमूर्ति भारती डांगरे एक शुभम थोराट द्वारा दायर एक आपराधिक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे आईपीसी की धारा 377, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3A, 3C, रिडविद 4, 5E, रिडविद धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि जाहिर है वो एक बालिग है, केवल इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता नंबर 2 विवाह योग्य उम्र का नहीं है, याचिकाकर्ताओं को संभवतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित उनके मौलिक अधिकारों को अमल में लाने से रोका नहीं जा सकता है। याचिकाकर्ता दोनों ने बालिग होने के नाते लिविंग रिलेशनशिप में साथ रहने का फैसला किया है और संभवतः प्रतिवादियों के लिए इस पर आपत्ति जताने का कोई कानूनी कारण नहीं हो सकता है। भारत भर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने में सरकार की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता कानून छात्र सलोनी गौतम द्वारा वकील दुष्यंत तिवारी ओम प्रकाश परिहार के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया और 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार भी बदल गया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्याय टीवी के साथ। अब मिलते हैं नए साल में नए तेवर और नए फ्लेवर के साथ। नमस्कार।